हमारा टीवी हम सबका है। ये तो एक हादसा है कि मैं फिल्म्स में आ गई। अच्छा, ना ही मैंने कभी इसको ड्रीम किया था। पाशा साहब ने एक शर्त बांध दी थी कि मेरी पिक्चर लग रही है सरफरोश, अगर वो सुपर हिट हुई तो मैं तुम्हें एज हीरोइन लूँगा। मैं एक्चुअली बचपन से ही टॉम बॉय टाइप की लड़की थी। अच्छा, मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छी लगती थी। मैं अपनी नानी की बहुत लाडली थी। okay. इसलिए अपने मोहल्ले में मैं एक लड़के की हैसियत से मानी जाती थी कि इसके साथ किसी ने कोई इसको तंग किया तो फड्डा नहीं करना। हाँ, फड्डा किया तो ये लंबा ही फड्डा हो जाएगा। मुझे डांस कभी भी ना आया है ना मैं कर सकी हूँ, हालांकि सिखाया भी गया मुझे, कोशिश की गई सिखाने की। बहार बेगम की फिल्में तो मैंने बहुत कम देखी हैं, लेकिन उनसे मुलाकातें बहुत हुई, और जब भी मैं उनसे मिली हूँ आई हैव बीन वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर डिग्निटी एंड हर प्रेजेंस। And she's a person that I think has added a lot to the Pakistani screen. I like her, she likes me, and I think that is what you can see in our interview. Bahar Begum. अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आपने बचपन से एक्ट्रेस बनने का शौक था तो ये तो मैं नहीं मानूंगी। नहीं, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं था, बल्कि ये तो एक हादसा है कि मैं फिल्म्स में आ गई। अच्छा, ना ही मैंने कभी इसको ड्रीम किया था, बल्कि मैं ये समझूंगी कि आई रिमेम्बर वो क्रिकेट मैचेस उन दिनों में होते थे तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मेरी छोटी सिस्टर को ये ऑटोग्राफ लेने का बहुत शौक होता था। तो मैं बल्कि उससे लड़ती होती थी इन बातों पे कि ये, क्योंकि उस ज़माने में फिल्म एक्टर्स या एक्ट्रेसेस का एक इनक्लोजर अलग होता था। तो लोग बहुत, खास करके स्टूडेंट लाइफ थी वो, तो ऑटोग्राफ्स लेते थे, तो मैं कहती थी एक साइन लेके तुम क्या इसको करोगी। तो आई रिमेम्बर मेरी उसकी खासी इस पे लड़ाई हो जाती थी, सीरियस मैटर हो जाता था। तो मैं घर आके भी शिकायत लगाती थी कि ये क्या वो उनके इंक्लोजर में चली जाती है साइन लेने के लिए। तो मुझे तो नहीं पता था कि कल मैं भी इसी पे स्टैंड करूँगी तो मुझे भी यही देने पड़ेंगे ऑटोग्राफ्स। तो हादसन बस ये है कि मैं सीनियर कैम्ब्रिज में थी तो छुट्टियों में कराची गई हुई थी मैं, तो वहाँ अनवर कमाल पाशा साहब से मुलाकात हो गई। वो मेरे मामू के बहुत दोस्त थे, मिलने इत्तफाक हुआ तो मैं भी साथ थी, तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि जी आप इसको फिल्मों में क्यों नहीं लाते, ये पढ़ के क्या करेगी और कितना पढ़ लेगी, बहुत ज़्यादा पढ़ लेगी, नौकरी करेगी। तो फिल्म ऐसा है, बड़ा उन्होंने खूबसूरत वे में उसको समा बांधा बांधा, लेकिन आई थिंक आने के बाद मैंने महसूस किया कि वो सही कहते थे। जब माहौल भी बहुत अच्छा था, जो उन्होंने बातें की उन्होंने वाकई ही सही की थी। तो एनीवे मैं बड़ी डिस्टर्ब हो गई कि फिल्म और मैं, जिसने कभी सोचा ही नहीं फिल्म के बारे में,
तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि अल्लाह मियाँ ने मेरा इसी तरफ लिखा हुआ था कि रोटी रोजी मेरी इस तरफ थी, मैं आ गई। लेकिन मैं आई एज हीरोइन। अच्छा, पाशा साहब ने एक शर्त बांध दी थी कि मेरी पिक्चर लग रही है सरफरोश, अगर वो सुपर हिट हुई तो मैं तुम्हें एज हीरोइन लूँगा, और अगर वो थोड़ी 19-20 हुई तो सेकंड प्ले में लूँगा। अच्छा, आई वॉज क्वाइट लकी कि वो सुपर हिट उनकी, बल्कि सुपर डुपर हिट हो गई। बहुत। तो आई बिकेम हीरोइन। आई सी। चन्माई वॉज माई लास्ट, चन्माई वॉज माई फर्स्ट पिक्चर। आई सी, आई सी। ये तो बात हुई जी कि जब आपको फिल्म मिल गई, उससे पहले का थोड़ा सा बताएं। बहार, बहार जब स्कूल में थी तो कैसी थी, घर का माहौल क्या था? मैं एक्चुअली बचपन से ही टॉम बॉय टाइप की लड़की थी। अच्छा, मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छी लगती थी, आज भी लगती है। मेरे बस में हो तो मैं आज भी ज़रूर स्पोर्ट्स में जाऊँ। स्कूल में भी मैं एज ए स्पोर्ट्स गर्ल बहुत पॉपुलर थी, बल्कि आई रिमेम्बर जब मैंने स्कूल छोड़ दिया था तो उसी साल जो फर्स्ट पेरेंट्स डे हमारा हुआ था मेरे छोड़ने के बाद, तो उसमें जो स्पोर्ट्स हुई थी तो मैं वापस गई थी खेलने के लिए। अच्छा, एंड आई वॉज वेरी लकी टू विन अ कप फॉर माई क्लास। इवन देन। तो ये कुछ ऐसी यादें हैं जो नहीं भूलती, और जब भी बंदा अकेला बैठ के सोचता है तो अच्छा लगता है। बाकी जहाँ तक एक स्टूडेंट का ताल्लुक है, आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, कोई इतनी शार्प स्टूडेंट नहीं थी मैं। और घर में मुझे अच्छा लगता था, वो छोटे छोटे, हम लोग तो पंजाबी में उसे कहते थे पुतकुनियाँ पकानियाँ, खाने पकाने। What is that? वो जब आप सीखते हैं ना खाना, या सहेलियाँ आपस में पकाती हैं, तो पंजाबी में उसे कहते हैं पुतकुनी। Sounds very cute. तो वो भी आई यूज टू लाइक, अच्छा लगता था ये शादी ब्याह गुड़ियों की करनी आपस में, आई वॉज मतलब वो भी अच्छा लगता। लेकिन जहाँ तक मेरे स्टूडेंट लाइफ स्कूल और इधर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आई वॉज कॉल्ड एज ए टॉम बॉय। ये अजीब दो पर्सनैलिटीज थी मेरी। तो मैं अपनी नानी की बहुत लाडली थी, इसलिए अपने मोहल्ले में मैं एक लड़के की हैसियत से मानी जाती थी कि इसके साथ किसी ने कोई इसको तंग किया तो फड्डा नहीं करना। हाँ, फड्डा किया तो ये लंबा ही फड्डा हो जाएगा। जैसे कि आई रिमेम्बर साइकिलिंग एक दफ़ा कर रही थी मैं, तो एक लड़का मुझसे आगे निकल गया, हमारी एज का ही होगा उस वक्त, तो उसकी साइकिल मेरे साथ बैंक की, तो मैं चोट लगी तो ये मेरे स्कार पड़ा। तो मैं रोते हुए घर आ गई, तो मेरी नानी ने उसके घर जाके उसका माथा फोड़ा था कि तूने मेरी बेटी का माथा फोड़ा। आई वॉज अ स्पॉइल्ड ब्रेड। ये बताएं कि जाहिर है फिर आप फिल्मों में आ गई, डू यू रिग्रेट कि आपकी एजुकेशन आगे नहीं बढ़ी, रह गई? एट टाइम्स आई डू, लेकिन अब ये सोचते हुए कि बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ माय फैमिली, मतलब भाई बहनों में, अच्छा, आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना ही था। वो मैं एजुकेशन पूरा करके करती, किसी ऑफिस में करती, या कोई भी जॉब करती, आई हैड टू डू इट बिकॉज ऑफ माय फैमिली। ये नहीं कि हमारी कोई फैमिली, अल्लाह ना करे, कोई मतलब हार्डशिप, हमें प्रॉब्लम थी या ऐसी नहीं थी कोई बात, लेकिन यू नो, अपने बहन भाइयों की पढ़ाई लिखाई, ये वो हर चीज़ को अपग्रेड करने के लिए यू नीड मोर एंड मोर। यस, ऑफ कोर्स। सो फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद आई थॉट कि ठीक है, मैं अब आ गई हूँ, लेकिन काफ़ी अरसा मेरा दिल नहीं लगा। मुझे एज अ ड्यूटी मुझे करना पड़ता था कि मुझे जाना है, एक्टिंग करनी है, स्पेशली जिस दिन गाना पिक्चराइज होना होता था, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट डे फॉर मी। वाज इट बिकॉज ऑफ डांसिंग? यस, बिकॉज ऑफ डांसिंग। मुझे डांस कभी भी ना आया है, ना मैं कर सकी हूँ, हालांकि सिखाया भी गया मुझे, कोशिश की गई सिखाने की, लेकिन इट वॉज नॉट इन मी कि मैं सीख लूँ, क्योंकि हर चीज़ इंसान दिल से करता है। तो वो फिर बस सैड सॉन्ग वगैरह पिक्चराइज होता था, आई यूज टू फील वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जिस दिन डांस पिक्चराइज होना तो होता था, तो घर से मुझे ऐसे लगता था मैं लड़के ही निकली हूँ। तो वो आज भी है, गाने वाने नहीं मैं कर सकती। नॉट वन। जब भी किसी चीज़ की ट्रेनिंग ना हो,
तो यू फील अ लिटिल सेल्फ कॉन्शियस. ज़ाहिर है एक्टिंग की तब तो क्या अब भी नहीं, यू लर्न ऑन द जॉब. तो फिर बाहर ने कैसा, हाउ डिड शी लर्न ऑन द जॉब, हु टॉट यू? उस वक्त तो कोई ऐसा मीडिया भी नहीं था जब हम लोगों ने एंट्री हुए फिल्म में, लेकिन हमारे जो उस्ताद ही कहना चाहिए, अनवर कमाल पाशा साहब, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, उनके साथ शेख इकबाल साहब उनके राइटर थे, एक हमारे जो स्टोरी राइटर थे बाबा आलम सियापोश, इन लोगों ने मुझे बिठा के तो बाकायदा डायलॉग्स बुलवाते थे, इस तरह के जैसे बातें करो हमारे साथ बट ये लाइनें बोलती रहो. इट वॉज नॉट दैट कि मुझे वो खड़ा करके कहते थे एक्टिंग करके दिखाओ या ये करो या, इट वॉज नॉट दैट. लेकिन साथ साथ थोड़ा सा ये ज़रूर कहते थे कि ऊंची आवाज़ में बोलो ताकि तुम्हें पता हो तुम्हारे कानों को खुद अपनी आवाज़ सुनाई दे. तो आपको बेस्ट बात बताऊं कि मैंने जब पंजाबी पिक्चर में काम शुरू किया है तो मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती थी. बींग अ पंजाबन मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती थी. अच्छा. हालांकि मेरी मदर टंग है पंजाबी. वो सिर्फ उसका ये था कि स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ हम उर्दू नहीं बोल सकते थे. इंग्लिश यस नो ही करते थे बच्चों की हैसियत से. लेकिन नन स्कूल था और घर में हम लोग उर्दू बोलते थे, हमारे बड़े हमारे साथ उर्दू, तो पंजाबी नहीं आती थी. फिर वो मुझे ये ट्रेनिंग बकायदा रोज घंटा दो घंटे मुझे पाशा साहब अपने स्टूडियो बुलवा के तो बिठाते थे, इससे गप करो, इससे करो, बातें करो. तो वो मेरा एक किस्म की झिझक जो थी उतारने के लिए. बाकी ऑन सेट्स वो खुद करके हमें बताते थे कि ऐसे करना है, बिकॉज हम लोग तो एक रॉ मटेरियल थे बिल्कुल. लेकिन आई थिंक कि उस वक्त की ये ट्रेनिंग्स जो हैं हमारे अब तक काम आ रही हैं. हाउ डज बहार गेट इन टू अ रोल? लाइने सिर्फ लाइनों से या सीन से, या डू यू ट्राई एंड इमेजिन द होल कैरेक्टर, और व्हाट इज द आइडिया? आई डोंट रिमेंबर द लाइन्स, या मैं याद करने की कोशिश भी नहीं करती. मुझे आई थिंक इतना काम करने के बाद मैं इतनी यूज्ड टू हो गई हूँ. स्पेशली ये मैंने इंजॉय भी काम किया जब मैं सेकेंड टाइम आई हूँ. अच्छा. क्योंकि काम करने का मौका जब मिला. एज हीरोइन तो आप एक डेकोरेशन पीस होते हैं, चंद गाने गा दिए, डांस कर दिया, हीरो के साथ दो चार लव सीन्स हो गए, दिस इज ऑल व्हाट यू डू. लेकिन कैरेक्टर प्ले करने के बाद आई रियलाइज्ड कि काम इसको कहते हैं, बिकॉज स्टोरी का बोझ होता है आपके ऊपर. और जो रोल आपको मिलता है, स्पेशली आपको अगर पसंद आ जाए वो रोल, तो ये मेरी जाती राय अपने बारे में है कि आई रियली गेट इन टू इट, और मैं अपने ऊपर उसकी सवारी कर लेती हूँ. और मैं एक नर्वस रैक जैसे हो जाता है वो होती हूँ कि जब तक ये सीन ख़त्म नहीं होएगा, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन. सेट पे ज़रा सा शोर कोई हुए तो आई गेट मैड, मैं कहती हूँ इनको निकालो तो मैं ये शॉर्ट करूँगी वरना मैं नहीं करूँगी. मैं इस हद तक चली जाती हूँ. कुछ प्लेज ऐसे रूटीन वाले होते हैं वो आप वैसे भी कर निकल भी जाते हैं, लेकिन आई थिंक अच्छा प्ले करने के लिए यू हैव टू गेट इनटू द कैरेक्टर. व्हाई पंजाबी मोर देन उर्दू? हादसाती तौर पे हो गया ऐसे या? हाँ ये हादसाती तो नहीं कहना चाहिए, एक फेज आता है. एक टाइम आया था उर्दू पिक्चर्स बहुत बन रही थी, फिर इत्तेफाक है कि जब मैं एंटर हुई हूँ इन 74, इट वॉज माई कमबैक, तो उस वक्त पंजाबी पिक्चरों का दौर चला हुआ था और लाउड. अच्छा, मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया था लाउड, क्योंकि मैं जब क्विट किया था फिल्म इंडस्ट्री से तो बहुत नॉर्मल काम था, और उस वक्त पंजाबी और उर्दू की रेशियो एक जा रही थी. तो आई नेवर हैड दिस कॉन्सेप्ट कि ऊंचा भी बोला जाता है. लेकिन जब मैंने कम बैक किया तो इतना लाउड उस वक्त बोल रहे थे कि मैं घबरा गई कि वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट. लेकिन एक थोड़ी सी मुझ में ज़िद है जो कि मैं अगर मैं सोच लूं कि मैंने करना है तो आई गो. फिर मैं ये नहीं सोचती कि इसमें अच्छाई है या बुराई है या नफ़ा है या नुकसान है, आई डोंट केयर. आपकी शादी हुई? जी. माशाल्लाह दो बेटे हैं? जी. अब तो खैर वील टॉक अबाउट दम लेटर. फिर आपने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी? जी. कुछ जो आप जिक्र कर रही हैं, वाई वॉज दैट? वॉज दैट बाई चॉइस? हाँ, इट वॉज माई चॉइस. मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट रहा है कि फिल्म और घर
एक शादीशुदा लाइफ, वो इकट्ठी नहीं रह सकती, इसलिए कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई टाइमिंग नहीं है। एंड फॉर अ नाइस लविंग होम आपको टाइमिंग चाहिए होती है, बच्चों को भी टाइम देना होता है, हामिद को भी टाइम देना होता है, घर को भी टाइम देना होता है। मगर आपके शौहर तो फिल्म लाइन से थे। हाँ, तो लेकिन आई थिंक मर्द हजरात ये एक्सेप्ट नहीं करते, वो समझते हैं कि अब घर बीवी जो है वो बस घर की हो गई, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। हालांकि आई थिंक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरी कोई वो एक शर्त नहीं थी। आई लेफ्ट द जॉब माई सेल्फ, मुझे खुद ही अच्छा लगता था कि मैं अब काम नहीं करूं, तो आई लेफ्ट इट। मुझे वैसे ये नहीं कहा गया कि जी अब तुम शादी हो गई है तो काम छोड़ दो, ये कर दो, नो इट वॉज नॉट दैट। और हो सकता है अगर ऐसे कहा जाता तो शायद मैं ना भी छोड़ती, बिकॉज आई एम अ वेरी स्टबर्न वूमन। तो काम में भी आप करती भी, पहले आपने काम किया, अच्छा भी काम किया, फिर आपने छोड़ा, बेशक बाय चॉइस छोड़ा। क्रिएटिव आदमी जब अपने मिजाज से या अपने काम से अलग हो जाता है तो कुछ उदासी आ जाती है, कुछ फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, कुछ खोखला, कुछ खाली खाली सपन महसूस हुआ आपको? इस मामले में ये हुआ कि मुझे इमिजिएटली बेटा पैदा हो गया, आई गॉट सो इन्वॉल्व्ड इन हिम कि वो एक, जैसे कि हर लड़की सोचती है, चाहे वो एक्ट्रेस हो चाहे वो घरेलू लड़की, माँ बनना तो चाहती एक ड्रीम्स, ख्वाब तो होते हैं ना कि घर होगा, बच्चे होंगे, ये होगा वो, तो वो मेरा ख्वाब जल्दी पूरा हो गया, तो मैं उसमें इतनी इन्वॉल्व हो गई कि मुझे कुछ खला नहीं महसूस हुआ। दूसरा, क्योंकि छोड़ा भी मैंने अपनी मर्जी से था, शायद इसलिए भी मुझे कोई ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, बल्कि कमबैक जब मैंने करना था वो मुझे बहुत लंबा सोचना पड़ा कि मैं छोड़ के कैसे गई थी और अब आऊं क्यों। दैट वाज अ डिफिकल्ट चॉइस फॉर मी, डिसीजन टू मेक, बट दिस वाज आफ्टर यू हैड सेपरेटेड फ्रॉम योर हस्बैंड और आपने फिर सोचा कि मैं वापस आऊंगी, तो फिर क्यों आई जी? व्हाट कंपेल्ड यू टू कम बैक? वेल, कोशिश तो मैंने यही की थी कि फिल्म इंडस्ट्री में ना आऊं सेकंड टाइम, क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि मैं ज़रा ज़िद्दी टाइप की हूँ और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं छोड़ के भी खुद गई, सारा कुछ अपने बूम पीरियड पे छोड़ा, सब कुछ किया, तो अब किस तरह वापस आऊँ, लोग क्या कहेंगे मुझे? बस एक तो लोग बात करते हैं, मुझे ये चीज़। तो आई ट्राइड कि मैं कुछ जॉब कर लूँ, अच्छा थोड़ा सा पढ़ी लिखी भी हूँ, कराची में कोई किसी किस्म का, तो हिम्मत बहुत की मैंने, बल्कि एक दो फ्रेंड्स ने मुझे पुशअप भी किया कि कोई बात नहीं, हम करवा देते हैं, तुम्हारा जॉब हो जाएगी, फलां जॉब मिल जाएगी। तो वो जब एक आध मुझे ऑफर्स मिली भी, तो आई यूज़ टू थिंक कि मैं 30 दिन जाके यस सर करूँगी तो फिर मुझे पे मिलेगी, तो वो ऐसे करके मैं लूँगी तो अच्छा लगेगा। नो, आई सेड नो इट वॉन्ट। फिल्म इंडस्ट्री में एटलीस्ट आपको पैम्परिंग तो होती है ना, एक स्पॉइल्ड ब्रेड की तरह आप, इतने लोग आपको मैडम जी सलाम, मैडम जी ये, मैडम जी वो करते हैं, तो वो फिर उसके ऊपर हावी होना शुरू हो गया। तो लेकिन आई नेवर थॉट कि मुझे काम खुद मांगना पड़ेगा या मिल जाएगा। वो मेरी अना हर्ट हो रही थी, वैनिटी मेरी, कि मुझे, मैं किसी को कह नहीं सकती। तो ये खासा मुझे टाइम लगा डिसाइड करने के लिए, लेकिन जब मैं लाहौर आ गई, मे भी अल्लाह की कुछ रहमत मुझ पे ज़्यादा ही रही है और अल्लाह रखे कि मुझे खुद ही काम ऑफर हो गया। तो था भी टाइटल प्ले, क्योंकि एज हीरोइन भी मुझे एज हीरोइन ही स्टार्ट मिला था, कम बैक के बाद भी इट वॉज जस्ट लाइक अ हीरोइन कि टाइटल प्ले मिलना बहुत बड़ी बात होती है, तो मैंने उसको अपनी गुड लक तसव्वुर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया और काम शुरू कर काम शुरू कर दिया। शोहरत अच्छी भी लगती है, लेकिन उसमें फिर आपकी प्राइवेसी भी अफेक्ट होती है, आपकी प्राइवेट लाइफ कम रह जाती है। आपने अगर सर में तेल लगा के बाहर निकलना हो तो ज़रा सोचना पड़ता है, अगर आपने किसी से लड़ना हो सड़क के ऊपर खड़े होकर तो ज़रा सोचना पड़ता है। आपने ये कैसे महसूस किया? डिड यू एवर फील कि कभी कभी आपकी जो फेम है वो आपके थोड़े से आड़े आ गई है आपकी? हैज़ इट हेल्प्ड यू या हैज़ प्रॉब्लम कोई क्रिएट हुआ? ये थोड़ी सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई ही एट टाइम्स आपको इरिटेट कर देती हैं,
वो भी जब कोई मिसबिहेव करे या कोई जरूर से ज़्यादा आपको परेशान करे तो देन लेकिन ज़्यादातर अच्छा ही लगता है क्योंकि फेम एक ऐसी चीज़ है कि लेकिन उसको डाइजेस्ट करना भी बहुत बड़ा काम है, सबसे बड़ी बात यह है। तो मुझे आई रिमेम्बर कि मैं अगर मेरे साथ इरिटेट हुई हूँ मैं किसी बात से तो मैं भूल गई हूँ कि मैं सड़क पे हूँ, मैं लड़ पड़ती हूँ, आई गो हेड, आई शाउट। और अगर नहीं कुछ अच्छा लगा तो ओके, लेकिन वक्त के साथ साथ हर चीज़ में फ़र्क आता जाता है। अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, बुरी बात है, ऐसे ऊंचा नहीं बोलना चाहिए, ये वही पब्लिक है जिसने हमें इस मकाम पे पहुंचाया है। सही बात, तो इनके साथ उलझना नहीं चाहिए। आपने बहुत बहुत अरसा तो नहीं लेकिन ज़िंदगी का कुछ अरसा अकेले गुजारा है एज अ सिंगल पेरेंट? नहीं, काफ़ी अरसा, इट्स ऑलमोस्ट 24-25 ईयर्स नाउ सिंस यू वर डिवोर्स्ड। जी, मैं 75 में डिवोर्स थी। 75। आई एम इंटरेस्टेड टू नो, ऑब्वियसली डिवोर्स इज अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर बोथ पार्टीज, इट इज आई थिंक अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर अ वुमन पर्टिकुलरली, और फिर जब बच्चे हों और फिर जब लड़के हों। आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो हाउ डिड यू मेक दैट डिसीजन एंड हाउ देन हैव यू कंटिन्यूड विद योर लाइफ एज अ सिंगल पेरेंट? औरत को अकेला दुनिया नहीं जीने देती, दुनिया नहीं जीने देती। इट इज, पहले तो ये है कि ये डिसीजन लेने के लिए वाकई मुझे बहुत टाइम लगा है। मैंने हालात को सुधारने की बहुत कोशिश भी की। इट टुक मी 1.5 ईयर टू डिसाइड, लेकिन उस 1.5 साल में ये था कि बोथ द पेरेंट्स, मेरे इन लॉज एंड माई पेरेंट्स, इन लोगों ने कहा था कि आज तुम हमारी बात मान लो, अगर ये मसला इसलिए नहीं सुधरेगा, आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस द मसला बिकॉज मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उनके लिए कोई अच्छी या बुरी बात कहनी आई वुड नॉट लाइक इट। लेकिन ये है कि उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी अगर ये मसला नहीं हल हुआ तो तुम्हारा डिसीजन हमारा डिसीजन होगा। इट हेल्प मी अलॉट, ये बात जो थी उसमें 1.5 साल में मज़ीद कोशिश करती रही कि ये सेटल डाउन हो जाए। लेकिन एक पार्टी कभी भी कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो एक हाथ हो चाहे दूसरा हाथ। सो बिकॉज ज़िंदगी अल्लाह पाक एक दफ़ा देता है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बड़ी अहमियत रखती है ज़िंदगी, तो इसलिए मैंने बड़ी फ्रेंकली अपने हस्बैंड से कहा था कि इट्स बेटर हम लोग अलग हो जाएं। तो उस वक्त तो शायद उनको भी ये बड़ी अनइम्पॉर्टेंट सी बात लगी थी, लेकिन व्हेन वी गॉट सेपरेटेड तो ही रियलाइज्ड, ही ट्राइड कि मैं वापस आ जाऊं घर में, लेकिन आई हैड टोल्ड हिम वेरी फ्रेंकली कि मैं एक दफ़ा दिल्ली से बाहर निकली मैं वापस नहीं आऊँगी। सो आई डिडंट गो बैक। ये बताएं कि उस वक्त की बाहर जब पहले चंद माही आपने ज़िक्र किया और फिर आज की जो बाहर है, एक्टिंग वाइज हाउ डू यू गेज योरसेल्फ, क्या फ़र्क आया है? फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे अपना वो दौर अब याद ही नहीं है क्योंकि उस दौर में मैंने इतना काम नहीं किया। ये ठीक है कि वो 9 साल मेरा पीरियड था एज हीरोइन मैंने काम किया, लेकिन उस वक्त या तो ये है कि इतनी फिल्म्स नहीं बनती थी या इतना काम का वो नहीं था। एक शूटिंग डे की होती थी, एक नाइट की होती थी, 2 शिफ्ट्स पर डे। तो दूसरा, आई वॉज अ स्टूडेंट, काम उस वक्त बहुत सीधा सीधा होता था। आई रिमेम्बर वो गाना पिक्चराइज कर रहे हैं तो जो गाने के बोल हैं वो तो होते थे, म्यूज़िक दरख्तों पे चला जाता था, खेतों पे चला जाता था, थोड़ा सा हम पे आ गया, उस पर हल्की सी मूवमेंट्स आ, तो वो दैट इज़ नॉट काम। मुझे काम का असल पता लगा ये वापस आने के बाद कि एक्टिंग इसे कहते हैं, यू हैव टू लर्न। और मैं आई बिकेम अ स्टूडेंट वंस अगेन कि
वो तो ऐसे था, मुझे बाकी मुझे लोग पूछते हैं कि आपने एज हीरोइन कौन सी पिक्चर में काम किया है, चंद एक के नाम याद होंगे मुझे, लेकिन ये पीरियड इतना हावी हो गया उस पर कि मैंने इस पीरियड में एक एक दिन में 8-8 शूटिंगें की हैं, 2-2 घंटे बांट के शूटिंगें की हैं, एंड आई स्टिल इन्जॉय इट, आई नेवर यूज टू गेट टायर्ड. तो दैट मीन्स कि मुझे मेरा शौक, वो अंदर जो मेरे काम का एक था, वो अब निकला है बाहर. और बहुत अच्छा लग रहा है.